कुंडली में यह योग और इन ग्रहों की युति व्यक्ति को चरित्रहीन बना देती है। इस वीडियो में मैंने यही चर्चा करने का प्रयत्न किया है, आखिर वो कौन से ग्रह हैं जिनकी युति होने पर जातक चरित्रहीन बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है सप्तम भाव में और यहां पर शुक्र अस्त नहीं है, मजबूत अवस्था में है और सूर्य यदि कमजोर अवस्था में है तो यहां पर एक चरित्रहीन योग बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम वासना देखने को अधिक मिलती है। शुक्र और मंगल की युति यह बहुत ही खतरनाक युति होती है। शुक्र और मंगल की युति किसी भी लग्न में पंचम में सप्तम में नवम में दसम में या एकादश भाव में बन जाए, आप किसी की भी कुंडली देख के कह सकते हैं कि यह एक चरित्रहीन व्यक्ति की कुंडली है। ऐसे व्यक्तियों का जो चरित्र है भरोसेमंद नहीं होता है, भले वह साधु और सन्यासी ही क्यों ना हो। नंबर 3, यह भी ध्यान रखिएगा, सप्तमेश कोई भी ग्रह हो सकता है। सूर्य से लगा के शनि तक कोई भी ग्रह सप्तमेश हो सकता है। सप्तमेश की युति यदि लग्नेश के साथ लग्न में पंचम में एकादश में बन जाए या सप्तम में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, उसके ऊपर भी काम वासना हमेशा हावी रहती है। यह दूसरा चरित्रहीन योग मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, सप्तमेश लग्न में हो, लग्नेश सप्तम भाव में हो, राशि परिवर्तन कर दिए हो, तो यह योग भी अच्छा नहीं माना जाता है, यह भी एक चरित्रहीन योग बन जाता है। ऐसे में भी आदमी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और अपने लग्नेश को और इष्ट देव की आराधना करना चाहिए जिससे वो इसके दुष्प्रभाव से बचा रहे। शुक्र काम वासना का कारक है। यदि शुक्र पंचम भाव में बैठे हो या लग्न भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्तियों का भी चरित्र भरोसेमंद नहीं रहता है, यहाँ पर भी चरित्रहीन योग का निर्माण होता है। और यदि शुक्र कहीं मंगल की दृष्टि में आ जाए तो पूछना ही क्या है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति कामी हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको अपने लग्न को मजबूत करना पड़ेगा, इष्ट देवता की आराधना करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो है कुछ रिलीफ मिलेगा। सप्तम भाव में यदि बुध शनि की युति बनी हुई हो तो यह एक नपुंसक योग है, यहाँ पर भी व्यक्ति अपने दुराचारों के कारण नपुंसक हो जाता है। ऐसे में भी विवाह टूट जाने के यहाँ पे योग बन जाते हैं, तो यह भी योग चरित्रहीन का बन जाता है। इसके अलावा सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो, उस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ी हो, यानी कि लग्न में शुक्र विराजमान हो, तो यहाँ पर भी जातक का चरित्र भरोसेमंद नहीं रह जाता है। या पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह या पापी ग्रह, और ग्यारहवें भाव में शुक्र हो, यह भी चरित्रहीन योग का निर्माण करता है। शुक्र जो काम वासना के कारक माने जाते हैं, ये लग्न में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों या ग्यारहवें भाव में बैठे हों, चार भाव में से कहीं पे भी बैठे हों, तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र भरोसेमंद नहीं रहता है, यह भी चरित्रहीन योग का निर्माण करता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मान लिया आपके कुंडली में ऐसा योग बना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज मैंने बताया, आप अपने लग्नेश को मजबूत करें, मंत्रों का आप जप कर सकते हैं या अपने इष्ट देवता का आप जप करें, सर्वोत्तम उपाय है। सूर्य भगवान को अर्घ दें, आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा और निश्चित ही आप इस दुर्योग से बाहर निकल पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल नवज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए।